वेल वो कहावत है देर आए दुरुस्त आए. कहीं ना कहीं यू फील नाइस, यू फील हैप्पी व्हेन योर प्योर एफर्ट्स आर एक्नॉलेज्ड. सो दैट इज़ व्हाई आई एम हियर. एंड जहाँ पर फादर ऑफ सिनेमा का नाम खुद जुड़ा हुआ हो किसी अवार्ड के साथ, तो देर इज़ नथिंग लाइक इट. आई हैव गॉट दिस अवार्ड बिफोर फॉर बेस्ट एक्टर इन रिश्ता, एंड दिस टाइम फॉर अ रियलिटी शो. इट्स अ ग्रेट फीलिंग, अच्छा लगता है व्हेन योर वर्क इज़ अप्रिशिएटेड. Yes. Where I'm heading, yes. आप ऐसा कह सकते हैं. एंड प्लस जैसे द काइंड ऑफ ऑफर्स आई एम गेटिंग, टचवुड, आई एम वेरी हैप्पी कि इट्स एक प्रोग्रेसिव करियर की तरफ मैं बढ़ रही हूँ. No, there's nothing like that. It's just an effort. Every time I click a picture, I post it. Some people like it, some people don't like it. And it feels great. देखिए मैं तो excited, मतलब honestly, Big Boss अभी अभी ख़त्म हुआ है. जब वेन आई गॉट टू नो कि ऑडिशंस दोबारा से शुरू हो गए, आई वाज लाइक सो क्विक. बट आई गेस काफ़ी टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में, तो इसलिए शायद उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है. बट देखते हैं अभी जब नेक्स्ट ईयर इज़ गोना कम. नो, इट्स गोना कम दिस ईयर ओनली इन अक्टूबर. बट अभी अभी तो ख़त्म हुआ है, तो मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज था कि इतनी जल्दी दोबारा शुरू हो गया. बट आई गेस काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ करनी होती हैं. सो गुड फॉर देम. इस बार थोड़ा अलग है, डिफरेंट है. लोग जोड़ीज में जा रहे हैं, अच्छा है, नया एक्सपीरियंस होगा. सोने पे सुहागा. Who am I to say anything about it? सलमान इज द बेस्ट होस्ट, बेस्ट होस्ट. देयर कैन बी नो अदर होस्ट फॉर बिग बॉस, आई थिंक सो. सलमान जिसके साथ कंफर्टेबल है. हु एम आई टू से दिस या बाबा. होस्टिंग इज़ नॉट, यू नो, इट्स नॉट एन ईजी थिंग. वहाँ पर आप एक ऐसे इंसान को अपने साथ देखना चाहेंगे जिसके साथ आप होस्टिंग करते वक्त कंफर्टेबल हो. तो आई थिंक इसका जवाब सलमान बेटर दे पाएंगे या फिर क्रिएटिव्स. वेल आई एम वेयरिंग सत्यपॉल टुडे एंड ज़्यादा कुछ नहीं है. सिंस इट वॉज दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, आई वॉन्टेड टू कीप इट सिंपल. आई वॉन्टेड टू वेयर अ साड़ी. सो या दैट्स ऑल माई स्टाइल स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट फॉर फैशन. सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी यू व्हेन इट कम्स टू फैशन. आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करने में हर्ज नहीं है, बट इट शुड सूट यू. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. फैशन आप ट्राई कीजिए, बट आप वही ट्राई कीजिए जो आपको सूट करे. एंड यू शुड बी कम्फर्टेबल इन वॉट यू वेयर. सो आई एवरी टाइम ट्राई एंड लुक डिफरेंट, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी ध्यान रखती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ मैं उसमें कम्फर्टेबल हूँ. थैंक यू. इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ऐसा हुआ है. आई थिंक इट्स सैड. व्हाट एल्स कैन आई से. उनकी फैमिली जो फील कर सकती है वो हम में से कोई फील नहीं कर सकता है. हमारा एक नया एक चीज़ शुरू हो गई है. हम ज़्यादा से ज़्यादा एक कैंडल मार्च कर लेते हैं या फिर एक ट्वीट कर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं हम. बट
जो फैमिलीज जिस तकलीफ से गुजरती हैं वो तो फैमिलीज ही गुजरती हैं. सो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को फील कर सकती हैं. आई नो अलग अलग ईयर्स के लिए 16 साल के लिए अलग 22 के लिए अलग. आई नो मैंने एक्चुअली आई हैड अ वेरी बिजी डे तो मैं सुन नहीं पाई, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है जैसे कि आपने भी बताया. तो आई लाइक टू गो थ्रू इट एंड देन ओनली आई कैन कॉमेंट. बट अगर ऐसा कुछ हुआ है और सीरियसली इस पर एक्शन लिया जा रहा है तो नथिंग लाइक इट. बींग अ गर्ल व्हाट एल्स डू आई वांट टू फील सेफ इन माई कंट्री. थैंक यू.